भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश तंत्र काट कैसे करते हैं यह सवाल बहुत आम तौर पर हमारे चैनल पर पूछा जाता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तंत्र काट हम जो है वो भैरव बाबा की कृपा से ही कर पाते हैं लेकिन तंत्र काट करने का एक विधान होता है एक विधि होता है और हर गुरु परिवार में हर तंत्र परिवार में इसका अलग विधान है मंत्र से जो तंत्र काट होता है वो अल्प तंत्र का उपाय हो सकता है ठीक है या फिर टोटकों से जो तंत्र काट होता है वो अल्प तंत्र का उपाय हो सकता है लेकिन जो विशेष तंत्र किया गया हो उसके लिए पूर्ण विधान के साथ तंत्र काट किया जाता है तो आज मैं आपको वो विधान बताऊंगा जिससे कि हम तंत्र काट करते हैं मंत्र इसके गुप्त हैं लेकिन विधान आपको आज मैं समझा दे रहा हूं ये नाथों का एक विलुप्त तंत्र है जो कि साउथ की भाषाओं में लिखा गया जो लुप्त भाषाएं हैं साउथ इंडिया की उसमें लिखा गया और इसको काटू तंत्र बोलते हैं जिसको हम लोग बंधन खोलना कहते हैं बंधन तोड़ना कहते हैं ठीक है तो जब किसी पे बंधन लगता है या तंत्र होता है ना वो तीन तरीके से होता है सात्विक होता है राजसिक होता है और तामसिक होता है ये आपको शायद नहीं पता होगा सात्विक तंत्र बाधा किसको होता है सात्विक तंत्र बाधा का मतलब होता है कि आपके मन को बांध दिया कोई विद्यार्थी है वो पढ़ नहीं पा रहा है कोई राइटर है वो लिख नहीं पा रहा है या फिर आप अपने काम में बहुत अव्वल हैं लेकिन उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक तरीके का तांत्रिक बाधा पहुंचाया जाता है एक बंधन किया जाता है उसको हम लोग सात्विक तंत्र बोलते हैं सात्विक बंधन बोलते हैं दूसरा होता है राजसिक बंधन राजसिक बंधन में परिवार में द्वेष माँ पिताजी के के साथ ब, बच्चों का जो है द्वेष हो जाना ठीक है पति पत्नी में कटु संबंध होना बिजनेस पा, पार्टनर्स में राइवलरी हो जाना दोस्तों में लड़ाई हो जाना ठीक है अशांति का माहौल हो जाना ये राजसिक तंत्र हो, होता है ये राजसिक तंत्र में इसको बनाया जाता है और लोगों के बीच में फैलाया जाता है और अंतिम होता है तामसिक तंत्र तो तामसिक तामसिक तंत्र तो आप लोग जानते हैं कि मारण विद्या उच्चाटन विद्या उसके बाद विच्छेदन विद्या ये सब जो होता है ये तामसिक तंत्र में आता है तो इनका काट कैसे होता है देखो हर जो तंत्र होता है वो उतना आसान नहीं होता है काटना कि एक मंत्र को पढ़ लिया और वो तंत्र खत्म हो गया कई बार तंत्र जो है ना वो श्राप की तरह परिवार में चला आता है और वो समय के साथ और मजबूत हो जाता, होता जाता है तो उसके लिए एक पूरा विधान जो है वो करना पड़ता है तो कैसे होता है ये विधान तो जो भी आपका तंत्र काट करेगा उसको नदी या समंदर के पास जाना होता है ठीक है समंदर में जाके स्नान करता है रात में और पानी उतना होना चाहिए जो कि उसकी छाती तक डूबे उसके बाद निकलते समय वो पांच पत्थर निकालता है नदी से और उसको लेकर के स्थापित करता है कैसे स्थापित करता है कि वो मानता है कि वो जो पांच पत्थर है उसके मुख दक्षिण को देख रहे हैं और वो सामने बैठ करके पूजा करता है उत्तर की तरफ ठीक है तो जो सामने पांच पत्थर रखता है उसकी प्रतिष्ठा होती है मंत्र से तो पहला जो पत्थर होता है वो माँ के रूप में प्रतिष्ठित होता है माँ का मतलब वो जिससे कि किसी आत्मा का जन्म हो आत्मा कभी भी कहीं ऐसे अवतरित नहीं हो सकती उसे हमेशा माँ की जरूरत होती है उसके बगल वाले पत्थर को पिता के रूप में स्थापित करते हैं क्यों करते हैं कि ये दो एक ऐसे संबंध है जिससे आत्मा का प्रभाव इस दुनिया में शुरू होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस जन्म के माता पिता से किसी आत्मा का संबंध बहुत अच्छा ना हो ठीक है Osionfish. लेकिन हो सकता है पिछले जन्म के या आने वाले जन्म के माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे हों इसलिए चीज़ों को संभाव में करने के लिए पहले दो पत्थरों को एक को माता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं दूसरे को पिता के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं जो मध्य में जो ईट रखी जाती है उसको गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं जो सब कंट्रोल करता है अपने वाम और दक्षिण में रखे पत्थरों को जो चौथा होता है पत्थर वो अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित होता है क्योंकि अग्नि मूल है जीवन का और जो पांचवा पत्थर होगा वो जातक के नाम पे या उस आत्मा के नाम पे प्रतिष्ठित होता है जिसके लिए वो पूजा की जा रही है ठीक है उसके बाद पांचों को सब सामग्री दे करके अच्छे से पूजा किया जाता है उसमें जो पंच पूजा का सामान है जैसे देवताओं को पूजते हैं वैसे उन पाँच पत्थरों को पूजते हैं और वो दक्षिण की तरफ देखते रहते हैं ठीक है जब इनकी पूजा हो जाती है प्रतिष्ठा हो जाती है तो इनके ठीक सामने एक छोटा केला का पेड़ गाड़ा जाता है ठीक है और इसको गाड़ करके इसके सामने 108 नींबू रखते हैं उसके बगल में फिर 108 सुपाड़ी सुपारी का पत्ता रखते हैं सुपाड़ी नहीं सुपारी का पत्ता 108 रखते हैं फिर 108 सुपाड़ी सुपारी रखते हैं और उसके बगल में 108 केला रखते हैं इतना सामग्री रखने के बाद उस केले के पत्ते को 12 दीपक से चारों तरफ से हम लोग घेर देते हैं और फिर प्रतिष्ठा होती है उस केले के पेड़ की मंत्रों के साथ ठीक है एक बार मंत्र प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है तो सबसे पहले जो 108 नींबू वहाँ रखे गए हैं उनकी बली होती है उनको काट दिया जाता है उसके बाद जो पत्ता है उसको उस पेड़ के ऊपर फेंका जाता है ठीक है निछावर किया जाता है उसके बाद 108 जो सुपारी है उससे उसका अभिषेक होता है ठीक है और जो केला है वो जो भी व्यक्ति है जो कि एफेक्टेड व्यक्ति है जिसका तकदीर रुक गया है या फिर जो भी उसके साथ बंधन है उसको काट करके केला को उसके शरीर पे मला जाता है ठीक है इतना करने के बाद मंत्रों के साथ उस केले के पेड़ की बलि दी जाती है ये मान के कि यही वो जातक है और उसको बीचों बीच काट दिया जाता है ऐसा करने से उस व्यक्ति पे जो भी तंत्र होता है वो समाप्त हो जाता है तो इसमें तीन विद्याएं होती हैं सबसे पहले वो जो आप नदी घुस करके जब पत्थर उठाते हैं तो पहला वहाँ पर मंत्र का प्रयोग होता है उसके बाद मंत्रों को जब इन पत्थरों को आप अभिमंत्रित करते हैं और जागृत करते हैं क्योंकि मार्ग की साधना इसीलिए दक्षिण देख रहे हैं जैसे ही ये, मतलब इनका ही दक्षिण देखते हुआ हुआ, हुआ हुआ है और हम देख रहे हैं उत्तर तो वो दूसरा विधान होता है तीसरा होता है उस केले के पेड़ को वहाँ पर गाड़ना और उसको प्रतिष्ठित करना चौथे में मंत्र के साथ सब सामग्री चढ़ाना ठीक है और उसके बाद उस केले के पेड़ की बलि दे देना मंत्रों के साथ इस ये जो विधान है ना ये फुल प्रूफ विधान होता है किसी के ऊपर अगर कोई भी पराविद्या का प्रयोग किया गया है तो उसको हटाने के लिए छोटे छोटे जो तंत्र होते हैं उनको हटाने के लिए और भी विधान होता है ये एकलोता विधान है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये बहुत जो उलझा हुआ विधान में सबसे सुलझा विधान है मतलब सबसे सिंपल विधान है जो कि कोई भी तंत्र किसी के लिए कर सकता है इसके अलावा अगर छोटा मोटा तंत्र हो तो वो ग्लास का एक मंत्र दिया है कि ग्लास में पानी भर लो और जो मंत्र बताया है उसको सात बार पढ़ के फूकने से भी तंत्र कटता है और किसी पे अगर परा शक्ति का इफेक्ट हो तो जो मंत्र मैंने नर्सिंग का दिया है तो उसमें भी ये विद्या मैंने सिखाई है कि उस मंत्र दो लॉन्ग लेकर के अगर आप उस नर्सिंग के मंत्र को पढ़ते हैं और उसके बाद आप फूक करके और उस व्यक्ति के चारों सर के चारों तरफ घुमा करके उसको जला देते हैं तो भी बहुत तरीके का बंधन कटता है लेकिन ये एक पूर्ण विधान है ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग पूछते हैं कि आप हमें ये विद्या सिखा दो ये विद्या बता दो तो ये इतना आसान विद्या नहीं है जो बताया जा सके ठीक है इससे आप लोग ये भी समझिए कि जब आप लोग काम के लिए आते हैं जाते हैं किसी तांत्रिक के पास तो उसको कितना मुशक्कत करना पड़ता है हाँ ये अमावस्या की रात का ही साधना होता है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है बंधन आसन भैरव ये सब मंत्र सीखने के लिए वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से, से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 अघोर तंत्र डॉट एक्स वाई जेड उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है उसमें भी आप जा सकते हैं या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर ये मेरा प्रोफाइल है इस पर जा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान गजानंद वक्रतुंड के रूप में आप लोगों की रक्षा करें ऐसी मेरी कामना और महाभैरव आप लोगों को कभी तंत्र का ग्रासना होने दे ऐसी भी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश